अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि हम हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रखे होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अच्छा हूं। तो बस आज हम लोग फैमिली के साथ में जा रहे हैं बाहर खाने के लिए। आज एक नई रेस्टोरेंट जोधपुर में ओपन हुई है, वन मोर के नाम से, जो कि गांधी मैदान के एकदम पास में लोकेटेड है। प्योर वेज है, वहाँ पे शायद 4 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तो कैफ़े, फर्स्ट फ्लोर पे फाइन डाइनिंग है, थर्ड और फोर्थ का हमें पता नहीं, वहाँ जाके हम लोग पता करेंगे। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, वन मोर के नाम से रेस्टोरेंट जो है वहाँ चलते हैं, जो गांधी मैदान के पास में लोकेटेड है। चलिए वहाँ चलते हैं फैमिली के साथ। बीकानेर मिष्ठान भंडार है यहाँ पे, जो कि बी रोड पे लोकेटेड है। ये श्रद्धा के सामने जो गली जा रही है एकदम गांधी मैदान के पास में, तो बस यहाँ पे उनका लोकेशन है। देखिए आप, रेस्टोरेंट बनी हुई है अच्छी खासी, माशाल्लाह। तो बस हम लोग जाएंगे और यहाँ पे शूट करेंगे। ये देखिए आप, ये इनकी रेस्टोरेंट आ गई हमारे घर के एकदम पास में। तो ये वन मोर के नाम से इनकी कैफे, डाइनिंग, रेस्टोरेंट्स, मतलब 3-4 फ्लोर, शायद रूफ टॉप भी है, तो दिख रहा है वहाँ पे। तो चलो चलो, जैसे कि हमने कहा था कि आज हम लोग फैमिली के साथ में आएंगे, हम लोग वन मोर में आए हैं। राफे साहब भी हमारे साथ में, माशाल्लाह, कैसे हो राफे? सब ठीक है। ये भी नई रेस्टोरेंट खुली? नहीं, हाँ, ये 3 दिन पहले इनोवेशन हुई। अच्छा, 3 दिन ही हुए हैं, क्या बात है। तो मैं आपको बता दूँ, ग्राउंड फ्लोर पे कैफे है, फर्स्ट फ्लोर पे फाइन डाइनिंग है, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर शायद मुझे स्टार्ट नहीं लग रहा, लेकिन रूफ टॉप भी है इनके पास। चलिए अपन लोग अंदर चलते हैं, किस्मत हमारे साथ है, चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ का मेन्यू देखते हैं। हम लोग फाइन डाइनिंग में जाएंगे, हम लोग नीचे कैफे में नहीं बैठेंगे, देखते हैं कहाँ पे स्टार्टर्स है, क्या है, इनसे बात भी करेंगे। चलो चलते हैं। तो बुरा लेना, ऊपर चलेंगे, ऊपर बैठ जाएंगे। नहीं तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग फैमिली के साथ में, तो कैफे का इंशाल्लाह कभी हम लोग जब राफे के साथ आएंगे तब हम लोग यहाँ बैठेंगे। अभी अपन ऊपर जो इनका जो फर्स्ट फ्लोर पे फाइन डाइनिंग है, हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। वहाँ का अभी से अब 3-4 दिन हुए इनको स्टार्ट किए हुए, तो यहाँ का टेस्ट मुझे पता नहीं है, तो लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और यहाँ का खाना और स्टार्टर जो भी है वो सब ट्राई करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ के जो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग फाइन डाइनिंग बैठेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ का एम्बियंस और एकदम जो इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है और जो भी इंटीरियर इन्होंने किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त। देखा है जो कलर, इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी ज़बरदस्त है, जो सीटिंग है वो मस्त है माशाल्लाह। तो ये तो सब अपन जब राफे के साथ में आएंगे तब इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे, क्या फिर क्या राफे आएंगे ना यहाँ पे भी, ये भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, एक बार सब ट्राई करेंगे। तो पूरा बताओ पूरा। तो ये हम लोगों ने आपको पूरा कैफे दिखा दिया है, अब अपन लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे फाइन डाइनिंग, जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। चलिए सिर्फ 2 ही सेक्शन स्टार्ट है, कैफे एंड फाइन डाइनिंग, बैंकवेट ऑल्सो। तो इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ बैंकवेट भी है। चलो अपन लोग ऊपर चलते हैं सर, बहुत सारे आपसे मुलाकात करके हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली सर, आई विल जस्ट मेक श्योर दैट हम लोग सब मिलते हैं। ठीक है, आपको बस ये बिल्कुल इनका फाइन डाइनिंग सेक्शन है जहाँ पे हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह।
तो बस वो अनुपम जी ने आपको सब कुछ बताया है कि यहाँ पे क्या क्या एक क्या क्या आपको ऑर्डर करना है, इनकी जो भी सिग्नेचर डिशेज हैं। अब मैं और आप मेन्यू बताएंगे, बताएं मेन्यू। ये इनका पूरा मेन्यू है वन मोर का, काफ़ी बड़ा मेन्यू मैं देखा अभी। क्यूब्स है, हेल्थी अफेयर्स है, सैलड, ये इन्होंने जो फ्यूज इंडियन स्लाइडर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं इनके। इसमें से ये वेज चीज़ लॉलीपॉप जो ये हमको उन्होंने हाँ सजेस्ट किया, ये हम लोग ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ओवन फ्रेश बाय वन मोर है, वन मोर शेयरिंग प्लेट्स है काफ़ी, मतलब जो इन्होंने जो भी सेक्शंस ये लेके आए एकदम न्यू हैं। और आप खुद देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इनका मेन्यू, ये दिल्ली चूर चूर कॉम्बोज भी है। तो इसमें ये बताया था कि पराठा के साथ में दाल मखानी है, तो ये भी हम लोग ट्राई करेंगे। फ्राइज हैं, चीज़ी बाइट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा मेन्यू आप देखें। फिलर्स हैं, तो पूरा आपको मैं मेन्यू बता देता हूँ, फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे। चाइनीज़ क्विज़ीन है, मतलब आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाएगी अगर आप लोग फैमिली के साथ में कहीं डिनर या लंच का, लंच भी शायद सर्व कर देंगे लेकिन हम लोग डिनर के लिए आए हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। पिज़्ज़ास हैं, पास्ताज भी दिख रहे हैं इसमें, नहीं राफे जी। काफ़ी बड़ा बड़ा मेन्यू है माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खाने का मज़ा आ जाएगा। नहीं कबाब्स पूरा मैंने आपको दिखा रहे हैं हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि आपको पता तो रहे आप यहाँ पे आएंगे तो क्या आपको खाना है क्या होता है। हमारा यही काम है सिर्फ खाना है और आपको बताना कहाँ खाना जो तुम अच्छा मिलता है। नहीं राफ है यहाँ पे कभी भी आओ तो जैसे जो मेन्यू है आप इतना बड़ा मेन्यू देखे कन्फ्यूज हो, तो या तो हमारी वीडियो से रेफर करो या फिर यहाँ पे आके पूछो कि ना आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से बताएंगे आपको कि ना क्या लेना चाहिए आपके लिए। राफे ने बोला है कि हमारा वीडियो पूरा देखें आप। नहीं देखिए आप, ये इंडियन क्विज़ीन आ गया जिसमें हम लोग, उन्होंने कहा कि रेड ग्रेवी में ऑर्डर करें ताकि आपको मज़ा आएगा खाने में। शेफ जायका का भी एक और सेक्शन है, काफ़ी बड़ा मेन्यू यार। नहीं कब खत्म हुआ यार, दाल बिरयानी कर्ड ब्रेड्स नान कुलचा ज़बरदस्त, डेजर्ट्स मॉकटेल्स, ये क्या है मोइटो, फ्राई जूसेस भी हैं, शेक्स चॉकलेट शेक्स, क्या बात है यार, प्रोटीन शेक ताफे बिराफे खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे सब ऑप्शंस है, अगर आपको हेल्दी चाहिए तो हेल्दी भी मिल जाएगा, अगर आपको चीट डे करना है तो चीट डे मिल जाएगा, और अपनी हेल्थ मतलब सब जो हम जैसे हम लोग खाने वाले लोग हैं माशाल्लाह, एक बार हम लोग बैठ गए उसके बाद तो फिर तो पूरा मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया है और काफ़ी बड़ा मेन्यू है। अब हम लोग ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह, चलो ऑर्डर करेंगे। यू कैन नो योर कॉफ़ी ऑल्सो, नहीं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी नॉलेज की, नहीं चलो ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। पूरा मेन्यू तो दिखा दिया है, अब हम लोग ऑर्डर करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित त्यागी। इनको शायद आपने पहले भी देखा होगा हमारे साथ में, ये हमने जब जोन बाय पार्क का बनाया था तब भी ये लोग थे हमारे साथ में। अभी आप यहाँ पे सबसे पहले राफे क्या है आपने अपने होटल सर सूप है शेजवान होटल सर 4x7 हाँ। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इसमें, ये ये वेज चीज लॉलीपॉप वेज चीज, इसमें कितने पीसेज आएंगे? इसमें 4 पीसेस है, 4 पीस आएंगे तो 2 कर दें ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, उसके बाद ये चूर चूर कॉम्बो में इसमें कौन सा बेस्ट है? ऑल बेस्ट है सर, पनीर मखनी का भी है और पंजाबी तड़का बेस्ट रहेगा, पंजाबी तड़का करते हैं ये उन्होंने कहा था, काफ़ी ज़बरदस्त है। आप बच्चे भी हमारे साथ में तो हम लोग चीज़ी बाइट्स में भी हम लोग ट्राई करेंगे। एक करते हैं आप फुली लोडेड नैचोस, फुली लोडेड नैचोस ठीक है। एक आप इसमें ये फिलर्स में ये कर दें, पेरी पेरी पोटैटो फिल्टर्स ठीक है राफी साहब। और क्या है? पिज़्ज़ा अपने पिज़्ज़ा कौन सा लेना है? पिज़्ज़ा ये
एक वन कोर्स चिकन। हाँ एक ही कर दे, वन कोर्स लेस। कौन सा पिज्जा? मार्केट का पिज्जा बेस्ट है, बेस्ट बिल्कुल नहीं। तो प्लेन हो गया, वो तो प्लेन हो जाएगा। तो ये सही बन गया। अब ये कर दें वन मोर सुप्रीम पिज्जा, ठीक है। अब आप मेन कोर्स में काफ़ी रहेगा ना, मेन कोर्स पाए थे। मेन कोर्स में आप लोग अनुपम जी ने बताया था कि रेड ग्रेवी हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। क्या मेन कोर्स में क्या अच्छा है? दिल्ली वाला पिंडी मसाला चना भी मस्त है। कौन सा वाला, कहाँ है? दिल्ली वाला पिंडी चना। दिल्ली वाला पिंडी चना एक ये कर दें और एक बस काफ़ी रहेगा, ठीक है। हमारे घर वाले कह रहे हैं काफ़ी रहेगा, तो ठीक है काफ़ी रहेगा। अब इसके साथ में क्या कुलचा लेना या बटर नान लेना है? ऐसे क्या जंगली रोटी भी हमारे पास? जंगली रोटी में क्या है यार, जंगलों में 5 इंक्रीमेंट्स आता है, जैसे चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ मिक्स हो गया। अच्छा एक कॉम्बो आएगा पूरा उसका, मतलब बास्केट के टाइप में? बास्केट नहीं आती सर, रोटी एक ही आएगा। रोटी, अच्छा रोटी एक ही आएगी। अच्छा तो फिर हम लोग एक वो ऑर्डर करते हैं, एक जंगली जो भी है वो रोटी ऑर्डर कर दें। उसके बाद फिर आप कर दें सब लोग कुछ बटर में ना, 5 बटर नान कर देना, 5 बटर नान। उसके बाद फिर देख लेंगे, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें साथ में लेके आनी है, सूप के अलावा। सूप पहले स्टार्टर, हाँ मेन को स्टार्टर सब कुछ साथ में, उसके सूप पहले ले आना बस, ठीक है। और पापड़ है क्या? हाँ पापड़ है, फ्राई मसाला पापड़ फ्राई है, मसाला फ्राई दो लगा दो। एक ऑर्डर रिपीट कर, क्योंकि मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। नहीं ऑर्डर रिपीट कर, टू मसाला पापड़ फ्राई, हाँ, एंड वन वाटर सॉस 4/7, ठीक है। टू वेज चीज़ डालो, उसके बाद में चुर चुर नान वो पंजाबी दाल के साथ में, उसके बाद में फुली लेटी नाचोस, उसके बाद पेरी पेरी पटाटो पटर्स, वन मोर सुप्रीम पिज्ज़ा, दिल्ली वाला पिंडी चना, जंगली रोटी एंड 5 बटर, ठीक है। सर स्टार्टर्स में ना 20 मिनट्स लगेगा, सूप में 15 मिनट्स। कोई बात नहीं, मतलब कुल मिला के 30 मिनट में खाना तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो भैया ने कहा 30 मिनट में खाना आ जाएगा, मैं सब ऑर्डर कर दिए हैं और ये सबको सफिशेंट रहेगा ना, ठीक है। सब ऑर्डर हमने कर दिए, आप हम लोग बस खाने का वेट करते हैं। जब तक पूरी आपको जो जो दो फ्लोर्स हैं वो भी हम दिखा देते हैं ओनर के साथ में। चलिए चले ना, आप सूप ने जो ऑर्डर किया था पहले वो सूप आ चुका है, वहाँ पर ट्राई करें। जैसा आप देख सकते हैं टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, तो मस्त है माशाल्लाह, मस्त दिख रहा है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, ट्राई करते हैं। ये सूप के जो स्पून होते हैं वैसे होते हैं, जब आप सूप पिए तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको ऐसे डिप, जब भी सूप पिए ऐसे डिप करते हैं इसको, इसलिए इसको सूप का स्पून बोलते हैं, बिकॉज उसको डिप करके पीते हैं। तो और इसको पीना भी ऐसे है, मस्त है माशाल्लाह। हॉटन साहब मैं कहीं जाता हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में चले जाए, हॉटन साहब का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे हॉटन साहब बहुत पसंद है माशाल्लाह। कैसे था? ठीक है, ठीक है राफे। और अभी जो सूप है, जिसके स्टार्टर्स अच्छा होते हैं ना, उसका मेन कोर्स भी अच्छा होता है। तो बस हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग स्टार्टर्स ट्राई करेंगे, उसके बाद में मेन कोर्स तो हमने सिर्फ एक दो ऑर्डर किए हैं, लेकिन जिसके स्टार्टर्स अच्छे होते हैं उसका मेन कोर्स ही बहुत ज़बरदस्त है। नहीं राफे, सही कहना आपको। जो मैं कहना चाहूँगा, इसका प्रेजेंटेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी करी हुई है, जो बोल्स वगैरह ऐसी है नॉर्मली आपको दिखते नहीं रेस्टोरेंट में, डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है और अच्छा लगा। सबसे पहले जो हमारे जो हमने जो स्टार्टर ऑर्डर किया था नैचोज़, ना नैचोज़ इतने सारे ऑर्डर दिए, सबसे पहले नैचोज़ आया, फुली लोडेड वाला था, कौन सा फुली लोडेड, हम लोग काट ये डिप्स हैं इसके, यहाँ पर ट्राई करो। तो इसमें ट्राई करते हैं हम लोग नैचोज़, पहले हमने वाइट डिप के साथ ट्राई किया था, अब हम लोग सॉस के साथ ट्राई करेंगे। मैंने सालसा सॉस के साथ ट्राई किया, जोरदार है, अच्छा सॉस भी जो काफ़ी फ्रेश है, फ्रेश है नाफी से, बहुत दिख भी रहा है ना इसका, काफ़ी फ्रेश सब चीज़ काफ़ी फ्रेश नहीं, जोरदार माशाल्लाह। मैचेज हो गए, बाकी का वेट करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे बात। नैचोस ट्राई किए हैं, अब हम लोग ये क्या है राघव, क्या पहली पटाटो फिल्टर्स है, कॉर्न फिल्टर्स तो हमने काफ़ी जगह खाए हैं, लेकिन आज पटाटो वाले भी खा के ट्राई करते हैं राघव। जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रेजेंटेशन है ये भी काफ़ी अच्छी है, डिफरेंट है नहीं, सारे जो भी
जो भी हमने मंगाए वो सब पहले राफे साहब रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। अरे एम्बियंस और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे खाना खाने का। काफ़ी टेस्टी है, जो डिफरेंट टेस्ट है, जैसे हमेशा कॉर्न फिटर देते हैं वैसे इस बार हमने ये पोटैटो फिटर ट्राई किया, काफ़ी अच्छा है। बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात, जोधपुर में मैंने जहाँ जहाँ भी खाना खाएं कहीं भी ऐसा नहीं होता खाना अच्छा नहीं मिलता, सब चीज़ खाना अच्छे मिलते हैं। इसमें जो आलू है वो इन्होंने एकदम परफेक्टली इन्होंने जो मतलब कुक किया हुआ है, कुछ भी मतलब जैसे काफ़ी हार्ड होता है कभी कभी एकदम सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ये परफेक्टली कुक है। पहले हमने नैचोस लिए, पोटैटो फिटर्स भी हो गए, अब नेक्स्ट देखो ये क्या लेके आते हैं। नहीं वेट करते हैं, वेट करते हैं। ये वेज चीज लॉलीपॉप ट्राई करें, बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। देखिए अब लॉलीपॉप क्रिस्पी, काफ़ी क्रिस्पी लग रही है ऊपर से, और इसके साथ में उन्होंने जो सॉस दी वो भी ट्राई करेंगे। नहीं डिप सॉस मैं ऑलरेडी लगी हुई इसमें, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। होता है यार देखो स्टफिंग है इसके अंदर, देखिए आप, और बहुत ज़बरदस्त, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुझे ज़बरदस्त लगा, बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अभी तक हमने 3 स्टार्टर ऑर्डर किए हैं, मतलब ट्राई किए हैं और तीनों ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। चलो पिज़्ज़ा ट्राई करें, ये वुडन में बना हुआ क्योंकि आजकल जोधपुर में काफ़ी ट्रेंड है वुडन ओवन का, और काफ़ी थिन होता है ये, जैसे आप देख सकते एकदम थिन क्रस्ट है, जो वुड फ्राइड पिज़्ज़ा में ओवन में होता है। इसका नाम क्या था यार, तंदूरी वन पिज़्ज़ा वन मोर या वन तंदूरी वन, याद ही नहीं यार। इसके साथ ऑर्डर दिया तो ट्राई करते हैं, काफ़ी जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है इसका, अच्छा काफ़ी अच्छा है क्रिस्पी, जो सॉस लगाया उन्होंने तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो राफे को पसंद आ गया था, फिर हमें तो पसंद आने ही है। नहीं बहुत ही उमदा माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है हमें खाना खाने का। स्टार्टर ज़बरदस्त है, पिज़्ज़ा ज़बरदस्त था माशाल्लाह। तो बस अब बाकी जो ऑर्डर्स हमें बचे हुए हैं वो लोग हम लोग ट्राई करेंगे, और अभी तक तो काफ़ी ज़बरदस्त, जिस रेस्टोरेंट का स्टार्टर्स अच्छे होते हैं ना उसका मेन कोर्स बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या खाने के लिए खाते हैं। नहीं हमारे चूर चूर जो कॉम्बो था वो है, जिसमें दाल मखानी के साथ में रोटी, डिफरेंट काइंड की रोटी सर्व करती है करते हैं, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। दाल मखानी काफ़ी लोग ये रोटी देख सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दोनों कॉम्बो में आए, जब आप ऑर्डर करेंगे चूर चूर इनका एक अलग ही सेक्शन है, उसमें दाल मखानी तो सब में सेम रहेगी लेकिन जो रोटी आएगी वो चेंज होती रहेगी। मैं ट्राई करता हूँ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं पनीर और प्याज और इसकी फिलिंग है, काफ़ी रिच स्टफ्ड है यार ये तो, काफ़ी रिच है, कमाल है। माशाल्लाह किलर कॉम्बिनेशन है, स्टफ पराठा के साथ में दाल मखानी बहुत ही ज़बरदस्त उमदा टेस्ट आ रहा था माशाल्लाह। बस ये भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, अब बाद में हमारा जो मेन कोर्स है वो रह गया। नहीं क्या क्या रह गया और बाकी, मेन कोर्स ही है बस मेन कोर्स ही है। चलो अब हम लोग ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेन कोर्स में जाएंगे। अब मैंने फिर से ये ऑर्डर किए हैं जो कि वेज लॉलीपॉप थे, चिकन बोलना था वेज लॉलीपॉप, हमें बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह, तो हम लोग वो भी वापस हमने ऑर्डर किया है। चलिए पिंडी चना ट्राई करेंगे, मुझे नाम भी याद नहीं है पिंडी चना, देखिए उनके जो उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और खाना भी साथ में ज़बरदस्त है। ये है इनकी जो जंगली जो रोटी है वो हमने जो उन्होंने बताया था
इसमें इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके ये लोग बनाते हैं। ये जंगली रोटी जो डिफरेंट मुझे लग रही है वो हम लोग ट्राई करेंगे। इसमें चीज़ भी है, इसमें ऊपर भुजिया भी इन्होंने स्प्रिंकल की हुई है, तो देखिए ट्राई करेंगे। हाँ पापड़ हो गया ना, पापड़ कब, पापड़ कभी ऑर्डर दिया, काबिल है हमने ये ट्राई करो। इसके ऊपर ये चीज़ के साथ में भुजिया भी लगी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर सकते। बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अगर आप यहाँ पे आए तो ये रोटी भी आप ट्राई करें, जो कि इनकी जंगली रोटी के नाम से काफ़ी इन्होंने ये डिफरेंट रोटी है। इसमें इन्होंने भुजिया भी पूरा इन्होंने स्प्रिंकल की हुई है, साथ में जो पिंडी चना उन्होंने हमने बताया था काफ़ी अच्छा है। पूरा जो भी हमने खाना खाया है बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इनकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शायद गूगल मैप से भी ये लोग हैं, तो अगर होंगे तो मैं लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगा ताकि आप आराम से यहाँ पे आ सकें। चलिए हम लोग सब खत्म करते हैं, फिर एंड में जाके पूरा रिव्यू देंगे और आपको इनके नंबर भी बता देंगे ताकि आप आराम से बात कर सकें। तो माशाल्लाह हमारा जो यहाँ पे जो खाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। सबसे बड़ी बात यहाँ के जो एम्बियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन आप जब भी यहाँ पे आएँ तो मेरे को तो सबसे बेस्ट जो लगा जो इनके जो वेज जो लॉलीपॉप थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और इनकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको आराम से आप नेविगेट भी कर सकते हैं। राफे कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया। जैसे शराबे ने आपको खाने के बारे में बता दिया है, हाँ हाँ मैं आपको जगह के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी अच्छी इन्होंने जो डिज़ाइनिंग करी है, मतलब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, मेरे को लगता है कि ये जो इन्होंने जो तीन जो इन्होंने चार कितने चार है ना चार तीन फ्लोर्स हैं, और माशाल्लाह सबका जो भी अलग अलग इन्होंने एम्बियंस पूरे क्रिएट किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त था माशाल्लाह यहाँ का एक्सपीरियंस। इनकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। आप शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ हमें दुआ में याद रखें, और एक और बात अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। चलो यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।